सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो अभी हम बस थोड़ी देर फ्री थे तो मुझे लगा बस 2 मिनट आपसे बातें कर लिया जाए। और आज हम बात करने जा रहे हैं कोरियर की पैकिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये मेरा DTDC का ऑफिस है और यहाँ पे कोरियर होती है। तो आज हम कोरियर के बारे में ही बातें करने जा रहे हैं और वो भी पैकिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, अभी मैं कोरियर ही बुक कर रही हूँ और ये कस्टमर हैं और ये कोरियर बुक कराने आए हैं। तो यहाँ पे जो कस्टमर होते हैं, यहाँ पे बैठने के बाद ही मुझे उनके मन की बात पता चलती है कि उनके मन में किस चीज़ को लेके डाउट होता है और उनको किस चीज़ में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ बैठने के बाद मुझे लगा कि पैकिंग को लेके सभी लोग थोड़ा सा वो रहते हैं कि पता नहीं पैकिंग कैसी होगी और क्या मुझे यहाँ पे सामान छोड़ के जाना चाहिए या नहीं, क्या मुझे पैक करके ही कोई सामान लानी चाहिए। ये सारे सवाल उनके मन में होते हैं जो पहली बार कोई कुरियर भेज रहे होते हैं। और जो लोग रेगुलर भेजते हैं उनको तो सारी चीज़ पता हो जाती है धीरे धीरे, लेकिन जिनका फर्स्ट टाइम होता है उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती है तो उनको बहुत सी दिक्कतें होती हैं और मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। तो मुझे लगा कि आज मुझे इसी विषय पे आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी पैकेट हमारे पास लेके आते हैं या आप उसे पैक करके भी लाते हैं तो मुझे यहाँ पे चेक करनी होती है, तो मुझे यहाँ पे भी खोल के थोड़ा देखना ही पड़ता है। और जो रेगुलर कस्टमर है उनके पैकेट नहीं भी खोलेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें पता होता है कि इसमें क्या चीज़ जा रहा है। लेकिन जो पहली बार आते हैं उनके पैकेट हमें खोलने ही पड़ते हैं। और दूसरी बात कि आपका पैकिंग यहाँ पे हो जाएगा कि नहीं, तो हाँ अवश्य आप अगर कोई भी सामान लेके आते हैं तो यहाँ पे बहुत ही सुरक्षित ढंग से आपकी पैकिंग हो जाती है। और तीसरी सवाल बहुत सारे मन में आते हैं कि क्या मैं सामान यहाँ पे रख के जाऊँ तो क्या उसकी पैकिंग सही ढंग से हो पाएगी मेरे पीठ पीछे। तो हाँ, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि आप कोई भी सामान लेके आते हैं तो जिस तरह से सुरक्षित आप लेके आते हैं उसी तरह से सुरक्षित हम उसके सही जगह पे पहुंचा सके। उसके लिए हम बहुत ही अच्छे से अच्छे पैकिंग पे ध्यान देते हैं और हमारी पैकिंग इतनी अच्छी होती है कि वो पैकिंग जितना टाइम हम लोग उसको पैक करने में लगाते हैं खोलने में भी उतनी ही समय लगती है, क्योंकि पैकिंग हम लोग काफ़ी अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे अभी हम आपको दिखाएंगे कि छोटी पैकेट जितनी भी आती है उसे कैसे पैक की जाती है और जितनी बड़ी पैकेट आती है उसे कैसे पैक की जाती है। और अगर आप लैपटॉप भेजना चाहते हैं तो उसकी पैकिंग यहाँ पे कैसे की जाती है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए। और यही सब सवाल लोगों के मन में आ रहा था और जब यहाँ पे मैं बैठती हूँ तो बहुत सारे जो कस्टमर की दिक्कत होती है वो सब चीज़ें मेरे समझ में आती हैं कि आप लोगों को इस तरह की चीज़ें की दिक्कत हो रही है और मुझे इसके बारे में ही आप लोगों से बातें करना चाहिए। तो कोरियर ऐसी चीज़ है कि कभी ना कभी सभी को ज़रूरत पड़ जाती है, तो मुझे लगा कि चलो इसके बारे में जानकारी आप सभी को भी दी जाए ताकि आपको कभी ज़रूरत पड़े इस तरह की चीज़ें तो आपको पहले से पता रहे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि छोटे जो पैकेट आते हैं उसको हम लोग पैकिंग कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये बुकिंग की पैकेट है और इस पैकेट को हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान दे के पैकिंग करनी होती है। जितने भी छोटे पैकेट हैं यहाँ पे बहुत सारे छोटे पैकेट बुक हुए हैं, तो सारे पैकेट को जो है वो हमें अच्छे से चेक कर लेने होते हैं कि कहीं से भी ये इसका जो भाग कमज़ोर रह जाए और ऐसा ना हो कि रास्ते में ही ये फट जाए और इसके जो लिफाफे हैं वो बाहर आ जाए, खो जाए। तो इसके लिए ये देखिए चारों तरफ से हम लोग इस तरह से टेप लगा देते हैं ताकि
कहीं से भी ये फटे ना, इसके लिफाफे बाहर ना आए। और ये देखिए, ये जो है ये कोड नंबर है इसके, और इसी कोड नंबर से हमें पता चलता है कि हमारा पैकेट कब पहुंचेगा, कहां पहुंचा है, सारी जानकारी किसी कोड से हमें मिलती है। तो ये जब कुरियर कराने आते हैं हमारे यहाँ, तो इसकी तीन कॉपी होती है, एक जो कुरियर कराते हैं उनको हम देते हैं, और एक कॉपी इसमें हम लगाते हैं, और इसकी तीसरी कॉपी हमारे पास होती है। तो इससे ये सारी जानकारी मिलते रहती है उनको भी जो कुरियर कराते हैं, और हमें भी कि कुरियर कहाँ पहुँची है और कब पहुँचेगी, तो ये सारी जानकारियाँ हमें मिल जाती हैं। तो ये हो गया छोटे पैकेट की बात। आइए हम आपको बड़े पैकेट भी दिखाते हैं कि बड़े पैकेट की पैकिंग कैसे की जाती है। अभी अभी एक लैपटॉप आया था और उसकी पैकिंग हुई है। पैकिंग करते समय तो हम आपको नहीं दिखा पाए, क्योंकि सभी को अच्छा नहीं लगता है कि उनके सामने हम रिकॉर्डिंग करें। कुछ लोगों को हो सकता है इससे आपत्ति भी हो सकती है, तो आप समझ सकते हैं कि सबके सामने रिकॉर्डिंग नहीं किया जा सकता है। तो हमने नहीं किया पैकिंग करते समय, लेकिन कभी आप लोग बोलेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम पैकिंग करते हुए भी आपको दिखाएं। तो आइए हम पैकिंग दिखाते हैं कि कैसे पैकिंग करते हैं लैपटॉप। जैसे कि अभी मेरे पास लैपटॉप आया है, तो उसकी पैकिंग कैसे की गई है। बाद ऊपर से और इधर सब बड़े पैकेट हैं, जो बड़ी चीजें इसमें रखी गई हैं। किसी में लैपटॉप है, किसी में कुछ बड़ी चीजें हैं, कपड़े हैं या सूटकेस हैं, या आप ऐसे भी कुरियर से, आपको पता ही होगा कि आप कोई भी सामान जो है आप देश से विदेश भेज सकते हैं। तो यहाँ पे बड़े पैकेट भी इस तरह से पैक किए गए हैं, जो काफी सुरक्षित तरीके से पैक किए गए हैं, और काफी टाइम लगाया गया है पैकिंग में भी, और इस तरह से पैकिंग की गई है कि ये सुरक्षित अपनी जगह पे पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी आज की वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, और आपके मन में इसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके हर सवालों का जवाब दे पाऊं। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूं, और फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।